हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त सुदीपा। तो आज का वीडियो है कि मैंने क्या क्या दशहरा पर शॉपिंग किया है, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती रहूंगी। आप मेरे साथ पूरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और मैंने इससे पहले भी एक दशहरा की शॉपिंग का व्लॉग डाला है, पर मैंने उसमें ये नहीं दिखाया कि मैंने क्या क्या सामान परचेस किए हैं, क्योंकि अगर वैसा दिखाती ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। सबसे पहले मैंने शॉपिंग किया है साड़ी, बहुत ही ब्यूटीफुल सिल्क की साड़ी है। ये इसका आंचल है और इस साड़ी का जो पूरा बॉडी है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, पूरा बॉडी पर ऐसा वर्क किया हुआ है। ये गोल्डन जरी का वर्क है और ये है मोस्ट फेवरेट मेरा साड़ी, यानी कि सिल्क की साड़ी। मैं ज्यादातर सिल्क की साड़ियां ही प्रेफर करती हूँ। अब मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ, वो भी बहुत ही प्यारा स्टिच होकर आया है। तो ये देखिए, ये रहा इसका ब्लाउज, इसे मैंने बोट नेक दिया है और इसके जो स्लीव्स है इसे मैंने एल्बो के ऊपर तक रखा है। और इसका सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है इसका बैक पोर्शन, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा इसका बैक पोर्शन, देख लीजिए ये पूरा ओपन है और यहाँ पर हुक लगे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, देख लीजिए। और ये जो साड़ी का बॉर्डर बचा हुआ था उसे मैंने इसके एक साइड पर लगा दिया है। ये जो साइड है ये आपका इस तरफ आएगा आंचल और इस तरफ खाली रहेगा, यानी कि ये साइड आपका विजिबल होने वाला है। तो कैसे लगा आपको मेरा आज का ये ब्लाउज मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या लिया है। नेक्स्ट ये है अगेन एक सिल्क की साड़ी, देख लीजिए सी ग्रीन कलर का है और इसका जो बॉर्डर है ये है नेवी ब्लू कलर का। बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है और इसका जो पल्लू है वो भी है नेवी ब्लू कलर का। तो इसका सॉरी मैं आपसे ब्लाउज शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो अभी तक मुझे मेरे टेलर ने दिया नहीं है, और अगर कभी हो सकेगा तो मैं आपसे आगे शेयर करूंगी। और एक साड़ी रही मोस्ट ब्यूटीफुल साड़ी हम बंगाली लोगों का, व्हाइट एंड रेड, जिसे हम लोग दशहरा के दिन यानी कि दशमी के दिन ज्यादा पहनते हैं। देख लीजिए बहुत ही प्यारा है, इसका जो रेड कलर है बहुत ही सुंदर है, देख लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका आंचल, तो ये रहा इसका आंचल, देख लीजिए कितना प्यारा है, एकदम ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी। तो इसे मैं पहनने वाली हूँ दशमी के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन, तो उस दिन भी मैं आपसे ब्लॉग शेयर करूंगी, है ना, बहुत प्यारा साड़ी। तो ये भी है अगेन सिल्क की साड़ी, तो आपको मेरे पास ज्यादातर सिल्क की साड़ियां ही मिलेंगी। तो बस यही था मेरा आज का साड़ी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से ड्रेसेस वगैरह परचेस किए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ड्रेसेस। तो ये है एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा प्लाजो सेट, इसका लुक पूरा कंप्लीट, बहुत ही सिंपल एंड सोवर है और इसका स्लीव्स है 3/4 और इसका जो प्लाजो है ये है हल्का क्रीम, लाइट क्रीम कलर में है और इस पर जो छोटे छोटे वर्क किया हुआ है बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। फेस्टिवल में ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये ब्राइट कलर्स, और ये इसके साथ आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा दिया गया है, देख लीजिए दुपट्टा भी कितना प्यारा है। तो ये थी मेरी फर्स्ट कुर्ती। अब सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ एक कुर्ती जो कि बहुत ही प्यारा है, गाजरी कलर में है, बहुत ही सुंदर है,
ये बस एक ओनली कुर्ती है, इसके साथ कोई मैंने सेट नहीं लिया है। किसी भी आप ब्लैक ब्लू किसी के साथ भी प्लाजो या फिर लेगिंग्स के साथ आप इसे पेयर अप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। अगेन रहा और एक प्लाजो सेट जो कि गिफ्टेड है, मम्मी ने दिया है। चलिए मैं आपको इसे खोल करके दिखाती हूँ। ये रहा कुर्ती, और इसके साथ रहा ये प्लाजो, और इसके साथ आपको दुपट्टा भी मिला है, देख लीजिए। तो दोनों सेम ही है, तो इसे मैं और ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ। ये रहा दुपट्टा और ये रहा प्लाजो। तो मेरी बेटू को ना पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मम्मी ने मुझे ये पिंक कलर का कुर्ती दिया है। चलिए अब और एक आइटम दिखाती हूँ आपको। तो ये एक चेक वाला कुर्ती है। तो आपको मेरे पास मोस्टली जितने भी कुर्ती मिलेंगे ना 3-4 स्लीव्स के ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ये चेक पैटर्न मुझे बहुत पसंद है, पहले भी मैंने इस टाइप का कुछ पहना हुआ है, तो मुझे अगेन मिला तो मैंने इसे ले लिया। कलर भी काफी ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छे कॉटन फैब्रिक का है। तो इसे मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, और इसके साथ मुझे मिला है ये बॉटम वेयर। तो ये प्लाजो नहीं है, जो पेंसिल पैंट बोलते हैं ये वो है, बस इसे हल्का सा फिटिंग हमें करवाना है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे लिया है। तो आपको सब कुर्ते में से कौन सा अच्छा लगा मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको इन सब कुर्ते में से कौन सा कुर्ता ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और क्या क्या सामान लिया है। अगर आप पूरे अच्छे तरीके से अप टू डेट रेडी हुए हैं, और अगर आपका फुटवेयर सही नहीं हो तो आपका जो रेडी होना है ना वो उसका जो इम्प्रेशन है बिल्कुल ऐसा हो जाता है, तो इसलिए मैंने फुटवेयर भी लिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा, ये मैंने यहीं के लोकल मार्केट से लिया है, शुभ कदम करके एक शॉप है, जिन लोग मेरे एरिया से बिलोंग करते हैं लोग जानते होंगे। बहुत ही अच्छा आइटम है, इसे हम लोग कहते हैं कोल्हापुरी। तो इसका लुक बहुत अच्छा है, और इसमें आपको दो डोर भी मिला हुआ है, तो ये फेस्टिवल सीजन के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसे आप साड़ी सूट प्लाजो किसी के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और नेक्स्ट मैंने लिया है एक सिंपल एंड सोवर और डेली वेयर के लिए। तो कैसा लगा ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा स्टाइलिश है। और इसके ऊपर ये जो है ना ये कपड़ा है, फैब्रिक है, और इसके ऊपर पर्ल्स का 3 ठन वो दिया हुआ है, और थोड़ा सा स्टोन का भी वो किया है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी, देख लीजिए कितना फ्लेक्सिबल है, आप इसे दिन भर पहन के भी घूमेंगे ना तो आपको कोई हैवी नहीं लगने वाला है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। तो ये थी मेरी दशहरा की शॉपिंग, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते चलते और थोड़ा बहुत कुछ मैंने लिया है, चलिए उसे भी आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है एक वुडन कॉम्ब, मैं काफ़ी दिनों से लेना चाह रही थी बट मुझे ना मिल नहीं रहा था हमारे यहाँ के लोकल मार्केट में, और इवन मैंने एक दो बार ऑनलाइन भी ऑर्डर किया बट ऑर्डर ना हमारे यहाँ डिलीवर नहीं हो रहा था। जो भी हो तो मुझे मिल गया लकीली ये कॉम्ब बहुत ही अच्छा होता है। जिनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है वो अगर ये वुडन कॉम्ब लेते हैं तो बोलते हैं कि हेयर फॉल बहुत सही कम होता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको अमेजोन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिया है एक ब्यूटीफुल सा क्लेचर, मैं वैसे ज्यादा क्लेचर नहीं लगाती हूँ, मैं खुले ही रखती हूँ बाल, या फिर छोटे वाले क्लेचर लगाती हूँ, बट मुझे इस सीजन फेस्टिवल सीजन बनाना था जूड़ा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। इसलिए जी काफी प्यारा है, और इसका कलर भी ऐसा है कि आप इसे किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैंने लिए हैं ये इयररिंग्स।
तो इस बार ये इयररिंग्स मेरे लिए सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मेरा जो ईयर लॉब का ऑपरेशन हुआ था, तो देख लीजिए अभी काफी ठीक हो चुका है, बट अभी भी इसमें हमने अगेन जो री होल करवाना था वो नहीं कराया है। तो मैं अभी आपको मोस्टली से खाली कानों में ही दिखती हूँ, बट पूजा वगैरह है, फेस्टिवल में है, तो ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने काफी खोजा और मुझे बस ये ही एक आइटम मिला और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा जो मिल रहा है उसे ही ले लेती हूँ। बहुत ज्यादा खोजने के बाद मुझे मिला, तो काफी ब्यूटीफुल है, चल जाएगा, कुछ नहीं होने से कुछ होना ही बेटर होता है। तो इस साल बस आपको मैं सब ओकेशन पे यही इयररिंग पहनी हुई मिलूंगी, क्योंकि मेरे ऑपरेशन हुआ है तो अभी मैं नहीं पहन सकती, तो टाइम लगेगा, बोले हैं कि मैं कम से कम और एक मंथ हमें वेट करना है, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट ईयर में होल करवा सकती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का शॉपिंग, मैंने जितनी भी चीजें ली उसमें मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये, और आपको क्या अच्छा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।